चाट पकड़ना कौन सो देश इतना बिल्कुल मिल गया कितना अच्छे से पहुंच रहे हैं तन बाउंस देश से अभी तो पता नहीं आदू का शूट सही है कि नहीं पूरा शूट जब चली गई वहां सब कुछ पति कह रहे थे आदू दोनों को एक जैसा रिले खेले आए तो पहचान में आया दूर से फास्ट 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 आदू डेली यही पहना के भेजना है क्या तक शक्ष ये बढ़ेगा आगे व्हील्स है बेटा आप ही लोग पंचर ठीक कर दो ना तक साधु हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद एंटर ड्रीम्स आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज दिवाली से एक दिन पहले का दिन है क्या बोलते हैं उसे छोटी दिवाली तो आदू तक सब रेडी है रेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं छोटी दिवाली के लिए दिया जलाने तो अभी हम दिया जलाने के लिए बाहर आ चुके हैं और ये रहा हमारा छोटी दिवाली का दिया तो चलिए जलाते हैं इसके बाद पार्टी में जाना है आदू कम बेटा डिक्की में बैठोगे क्या बेटा आइए आइए बंद कीजिए डिक्की बंद कीजिए आइए उस साइड से बैठे उस साइड से ये सेल्फी ले अभी तो आप दिन भर आते हैं से लड़ाई करते हो भी आते हैं कहां हम साथ में लेंगे पूरे दिन विषम विषम
तो आज दिवाली का दिन है, आप सबको हैप्पी दिवाली। और मैं यहाँ पे तोरण बनाने जा रही हूँ, तो मैंने आम के पत्ते मंगा लिए थे पहले ही, तो मैं उसी से मतलब तोरण तैयार करने वाली हूँ। तो पत्तों को ही ऊपर की तरफ से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके और मैं तोरण तैयार कर रही हूँ। और इसी के अंदर मूली जो होते हैं, तो मूली को उसके अंदर फंसा दूँगी। तो देख सकते हैं कि बनाना कितना आसान है। बनाने में मुझे 10 मिनट तो लग ही गए थे, लेकिन फटाफट से ये तोरण बन गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं मैंने ऐसे ही फंसा फंसा के और तोरण तैयार किया है। तो आशु यहाँ पे तोरण लगा रहे हैं, आम के पत्ते वाले तोरण हमें लगा दिया और उसके ऊपर एक डेकोरेटिव तोरण भी लग रहा है। और ये छोटे छोटे जो हैंगिंग वाले आपको डेकोरेशन कलर दिख रहा है वो भी आशु हैंग अभी जस्ट किए हैं। और ये जो स्वास्तिक का लाइट दिख रहा है हैंगिंग वाला, वो हमने लगाया नहीं था पहले से, तो वही आंसू लगा रहे थे। और यहाँ मैं रंगोली बना रही, तो इस बार मैंने रंगोली सोचा कि साइड साइड में ही बनाऊंगी, क्योंकि बड़ा साइज का रंगोली बनाने पे बच्चे फिर पैर मार देते हैं और ख़राब हो जाता है, तो वो एक दिन भी नहीं चलता है दिवाली के दिन भी। तो मैंने सोचा छोटे छोटे फ्लावर साइड साइड में बनाऊंगी सिर्फ शगुन के लिए। अब मेरा यहाँ पूजा हो गया है, मैंने भगवान जी लोग का जो भी है कपड़ा वगैरह सब चेंज कर दिया है, आसन वगैरह, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच ही रही थी, माला वगैरह भी चेंज कर दिया है मैंने, उनको अच्छे से नहलवा धुला दिया है और उनको दिवाली के लिए तैयार कर दिया है। तो हमारा पूजा भी हो गया है, देख सकते हैं आदू ने चूखा भी भर दिया है भगवान जी लोगों के लिए। तो अब हमारा दिवाली का पूजा हो गया, अब हम जा रहे हैं बाहर पटाखे वगैरह जलाने के लिए। और यहाँ पे तक्ष आदू हेल्प कर रहे हैं आंसू के साथ मिलकर दिया जलाने में। इधर देखना आप लोग, हाय आदू, मैं बाहर कर रहा हूँ। रिया दीदी है ये, वो देखो ये है रजत भैया, ये आता ये पापी, ये देखो लाइट से कैसे करवाए घर, कैसे इधर भी है सीधे पूरा इधर, ये देखो पापा प्रिंस भैया, ये दूसरा है, ये वो नहीं है। तो यार मुझे भी तो फोटो दे ना, ये हाथ तो फटेगा ना ये। आदू शूज पहन लिया बेटा आपने पापा की बात मानते हुए? नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा रंगोली है, सिंपल सा डिजाइन मैंने रंगोली का बनाया है सिर्फ थोड़ा थोड़ा। सिर्फ मैंने बोला था कि शगुन के लिए बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे बच्चों ने खराब कर दिया था रंगोली, उस पर बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था रंगोली बनाने का, इसलिए मैंने कुछ साइड साइड में थोड़ा सा बनाया है। टाइम ज़्यादा था भी नहीं, क्योंकि और भी तैयारी करना था, इस वजह से तो मैंने बस थोड़ा सा ही बनाया था। आदू कितने पटाखे? तो दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता ही है और हमारे घर में आपको लाइट्स दिखाई दे रहा है। तो ये रहा मेरे दिवाली का एक झलक दिवाली पे, जो मैंने नमकीन मिठाई ड्राई फ्रूट्स और कुछ पकौड़े वगैरह भी बनाए थे, जो घर पे गेस्ट बहुत आते हैं उस दिन, इस वजह से मेरी दिवाली की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है।
और ये रहा फाइनल लुक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मैं चाहती थी वैसे ही बस तैयार हो गया है। तो मैं आपको एक बार साइड से दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा मंडप तैयार है, दिवाली का मंडप। तो ये रहा, और या इसके बाद हम गए अपनी फ्रेंड के घर, उसके घर भी स्वीट्स वगैरह दिया। तो दो चार फ्रेंड के घर गए, वहाँ से देने के बाद फिर दूसरे फ्रेंड के घर। ऐसे इसी तरीके से हमारी आज की दिवाली ख़त्म हुई। तो चलिए, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो तक्ष, हैप्पी दिवाली। और ये है लाइट्स, हमने लगाया था दिवाली के नेक्स्ट डे, क्योंकि रंगोली बस थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि एक दिन और एक्स्ट्रा दिया जला देते हैं। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह कर ली, और बहुत ही अच्छा लगा।